ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था के आई, हमने एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की थी, दैट इज़ के आई। के आई क्या होता है? आपके वेट्स होते हैं। के आई को क्या बोलते हैं हम? वेट्स। हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया था वो, कि आपका क्वाड्रेटिक डिग्री हमने वो एलिमिनेट करने के लिए और लीनियर शो करने के लिए हमने के लेकर आए थे। अब इस के की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ के आई। फर्स्ट इज, सिंस एक्स आईज आर नॉन स्टोकास्टिक, के आईज आर ऑल्सो नॉन स्टोकास्टिक। मीन्स हमने हमने अभी अभी तक हम सब में ये करके आए हैं कि एक्स आई जो होते हैं वो आपके नॉन स्टोकास्टिक होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं। तो अल्टीमेटली हमने एक्स आपका के बना के किस बना किससे था? आपकी के की वैल्यू क्या थी? एक्स बाय एक्स आई बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो ये जब एक्स से ही बना है तो हम कह रहे हैं जब आपका एक्स हो गया फिक्स, तो अल्टीमेटली आपका के भी क्या हो गया? नॉन स्टोकास्टिक, दैट इज़ फिक्स्ड। तो इसका सेकंड है समेशन के आई इक्वल्स टू जीरो। ये आप प्रूव करेंगे। हमें पता है कि समेशन के आई की वैल्यू हमें पता क्या होती है? एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ है ये आपका। ये हो गया समेशन, ये बाहर वाला के आई की हमें ये वैल्यू है जो हम और यहाँ रख दी। अब हम क्या कह रहे हैं, ये क्या हो गया आपका? समेशन एक्स आई, ऊपर समेशन लग गया इसके साथ, नीचे क्या हो गया? समेशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, अब हमने लास्ट वीडियोस में किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओएलएस में, समेशन एक्स आई हमने किया था स्मॉल एक्स आई इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो बाय समथिंग इज इक्वल्स टू जीरो, हेंस प्रूफ। सेकेंड इज, समेशन के आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? समेशन के आई स्क्वायर, समेशन हमने बाहर लगाया, के आई स्क्वायर, के आई क्या आपका? एक्स आई बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि इस पार्ट का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका? ऊपर क्या बन गया? ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो प्रूव हम लेके चल रहे हैं, तो हम ये वाली साइड लेकर चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर, नीचे क्या हो गया? समेशन एक्स आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये एक, ये इसकी एक पावर इसकी टू, तो ये कैंसिल होकर क्या बन गया? वन बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, न थर्ड वन इज समेशन के आई एक्स आई स्मॉल, समेशन के आई स्मॉल और एक्स आई स्मॉल इज इक्वल्स टू समेशन के आई स्मॉल और एक्स आई कैपिटल। के आई तो स्मॉल है ही, मतलब यहाँ पर एक्स आई आपका स्मॉल और एक्स आई आपका यहाँ पर कैपिटल इज इक्वल्स टू वन। कैसे प्रूफ करेंगे? पहले हम ये वाले लेकर चलते हैं। ये क्या हो गया आपका? समेशन के आई क्या था अभी? के आई की वैल्यू क्या थी? एक्स आई बाय समेशन एक्स आई स्क्वायर इन टू एक्स आई। ठीक है, ये वाला लेके चल रहे हैं। क्या हो गया समेशन? ये क्या हो गया? एक्स आई स्क्वायर, नीचे क्या हो गया? समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये कैंसिल होकर वन। ये वाला लेकर चलते हैं हम, समेशन के आई। अच्छा, इस ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कैसे करेंगे वाला? देखो, एक्स आई हमें पता क्या होता है? स्मॉल एक्स आई होता है कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं कैपिटल एक्स आई की। कैपिटल एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स आई प्लस एक्स बार। तो हम एक्स आई को इधर रखा, कैपिटल एक्स आई को, स्मॉल एक्स आई की वैल्यू क्या होती है? एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स हमने क्या करा? कैपिटल एक्स आई की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें यहाँ पर कैपिटल एक्स आई की वैल्यू क्या करनी है? सब्स्टिट्यूट करनी है। तो हमने क्या करा? एक्स आई प्लस एक्स बार इज इक्वल्स टू एक्स आई। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, क्या हुआ ये? एक्स आई प्लस एक्स बार। अच्छा, कैपिटल एक्स आई और स्मॉल एक्स आई में ध्यान रखें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। ये आपका कैपिटल एक्स है, ये आपका स्मॉल एक्स है। वो आपने लिखने का अगर आपका तरीका ऐसा है कि सेम लगे तो चेंज कर लेना उसी को। ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में काफ़ी मैटर करता है स्मॉल एक्स और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखना। ठीक है, इसको हम खोलते हैं अब, समेशन के आई एक्स आई स्मॉल प्लस समेशन के आई एक्स बार। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? समेशन किया ये एक्स आई, अभी हमने प्रूव ही किया कि क्या आया था, क्या किया था हमने? वन। तो इसके वन लिख दें प्लस समेशन के आई। अब ये देखो आपका इनमें से कांस्टेंट टर्म क्या है? एक्स बार। तो हम एक्स बार बाहर लिख दें समेशन के आई, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है समेशन से। ये हो गया वन। अभी हमने प्रूव किया समेशन के आई क्या होता है? ज़ीरो। तो ये आपका एक्स बार इंटू ज़ीरो, तो आपका हो गया वन प्लस ज़ीरो, दैट इज़ वन। तो हैंस प्रूफ।